नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 1 से लेकर 10 तक, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, एनडीए हो गया, यूपीपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, जितने भी स्टेट पीएससीज होते हैं उनमें क्वेश्चन ज्योग्राफी का ये हमेशा प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। तो हम आज 11 से लेकर जो पूरे 10-11 क्वेश्चन करने वाले हैं आप लोगों के साथ, और फैक्चुअल डिटेल भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई बटन पे क्लिक करके इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से एलिब्रेट किया हुआ है। तो 11th क्वेश्चन है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न में से किस क्षेत्र में शुरू किया गया? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। और 1854 में सूती वस्त्र का पहला कारखाना, चलित कारखाना, ये तो खोला गया था बट ये चला नहीं था, ये फेल हो गया था, लेकिन जो चलने वाला कारखाना जो था ओरिजिनली आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो महाराष्ट्र बॉम्बे मिलेगा। अगर 1854 इसके बजाय होता तो आप महाराष्ट्र बॉम्बे कर सकते थे। यानी अभी का जो करेक्ट आंसर है वो ए है, आप इतना रखिए ध्यान। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो ये 2009 में स्थापित किया गया था, ये रूस की मदद से संयंत्र को स्थापित किया गया था। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी के नदी पर अवस्थित है? यानी कि दुलहस्ती के बारे में आपने नहीं पढ़ा तो उसे पढ़ लीजिए। यह हाइड्रो पावर प्लांट है बिजली बनाने के लिए, ये चिनाब नदी के ऊपर अवस्थित किया गया है, बनाया गया है। कांडला पतन पोर्ट कहाँ स्थित है? जो कांडला बंदरगाह है तो आपको ये पता रहना चाहिए, गुजरात के अंदर है, बट यहाँ पर देखिए खंबात की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी भी है, तो अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगा कि गुजरात के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर ए था उसका। निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवासी है? यानी कि टोडा जनजाति का जो जो फंडामेंटल निवासी है, जो वहाँ का ओरिजिन है, वो कौन है? तो जॉनसर भी नहीं है, गारो भी नहीं है, क्यों? गारो जो है असम के साइड में पड़ता है, पर टोडा असम में नहीं रहते। जॉनसर भी नहीं है, ठीक, जयंतिया ही, ये नॉर्थ ईस्ट साइड यानी असम गुवाहाटी साइड में पड़ता है, ये भी नहीं है टोडा जनजाति। तो नीलगिरी यानी कि जो साउथ वाला रीजन है, यहाँ पर है टोडा जनजाति का मूल स्थान जहाँ पर वो रहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये आपको 5th क्लास में मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मिल जाएगा एनसीईआरटी के वहाँ पर। तो मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? मेरियाना गर्त की बात कर रहा है, वो किस महासागर में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो पश्चिमी महासागर, प्रशांत महासागर में। अब देखिए पूर्वी प्रशांत महासागर, अब यहाँ आपको पश्चिमी पता होगा, ये कितने मीटर गहरा है? तो ये 11 किलोमीटर गहरा है, बहुत ध्यान देंगे, ये दुनिया का सबसे गहरा खाई माना जाता है, 11 किलोमीटर गहरा है। 17th क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? स्टैटिक्स जीके है, ये सबको पता होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका जो आंसर है वो 22 दिसंबर को है। 11th क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो कॉफ़ी के बहुत सारे बागान होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, उनको किस नाम से ब्राज़ील में कहा जाता है? तो ये यूपीपीएससी में 2017 में और यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स के। इसका जो करेक्ट आंसर है फजेडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फजेडा। उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? यानी कि मध्य अमेरिका में जो घास का मैदान होता है उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका जो नाम है पंपास कहते हैं, ठीक। प्रेयरी जो कहते हैं वो होता है कैनेडा के साइड का, वेल्ड जो होता है वो अफ्रीका के साइड का, सवाना भी अफ्रीका के साइड का, स्टेपिस जो है मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का, आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, बट इसका जो मध्य अफ्रीका, इसका करेक्ट जो आंसर है वो पंपास है। स्ट्रामबोली एक ज्वालामुखी है, स्ट्रामबोली एक ज्वालामुखी है, किस टाइप की? वो जागी जगा हुआ है या फिर मरा हुआ है या फिर वो कभी कभार उठता है? तो इसका करेक्ट आंसर है जागृत ज्वालामुखी, स्ट्रामबोली, जो कि इंडोनेशिया में मेरे ख्याल से है, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिए, वो एकदम जागृत एक्टिव ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। 21st क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर है।
लेक बैकाल जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, जो कि रसिया और मंगोलिया, रसिया और यूरोप के बॉर्डर पे पड़ता है। बट लेक बैकाल जो है सुपीरियर झील है, ये है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। तो आपको ये आंसर पता होना चाहिए। आई होप कि ये ज्योग्राफी का पोर्शन 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, 10 नहीं बट 11 क्वेश्चन हो गए, हाँ 10 11 क्वेश्चन हो गए सॉरी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए, और साथ ही साथ हमें प्रोत्साहन दीजिए अपना एक बेल आइकन दबा के और एक सब्सक्राइबर बढ़ा के। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे।